पंजाब दे लुधियाना शहर तो लगभग 31 किलोमीटर दूर रायकोट शहर दे विच स्थित हलवारा अंतरराष्ट्री हवाई अड्डे तो उड़ाना शुरू होने दे विच लगभग 2 महीने होर लगणगे, क्योंकि इस मामले दे नाल जुड़े अधिकारियों का सुझाव है कि इस महीने भी प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग दे वल्लों उसारी एजेंसियां राही लागू किया जा रहा यह प्रोजेक्ट पहला ही कई सीमावां तो खुंझ चुका है। हवाई अड्डे दे दिसंबर तक दे अंत तक जनता दे लई खोलिया जा सकता है और पहले पड़ाव दे विच घरेलू उड़ाना शुरू होणगियां। इत्थे 172 सीटां वाला जहाज आसानी नाल लैंड कर सकेगा। हलवारा दे विच बणिया हवाई अड्डा 161 एकड़ दे विच फैलिया होया है। इस खेत्र दे विच बने टर्मिनल दा खेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। जमीन नूं छड के कुल प्रोजेक्ट दी लागत है जिहड़ी ओह 70 करोड़ रुपए है। लोक निर्माण विभाग दे वल्लों 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ हुण 10% काम भारतीय हवाई सेना वल्लों करना बाकी है। सुरक्षा कारणां दे करके इस काम दे विच भी समा लग रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि हलवारा विखे अत आधुनिक सिविल एयर टर्मिनल दे निर्माण कार्ज नूं जल्द ही मुकम्मल करन लई पहला ही 50 करोड़ रुपए जिहड़े आ ओह जारी किते गए ने। वर्णनयोग है कि लुधियाना दे विच हवाई अड्डा बनाउण दी योजना 2007 दे विच पास कीती गई सी। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वल्लों 2010 दे विच इस दा नींह पत्थर रख्या जाणा सी, पर किसी कारण करके काम दीआं सारीआं तैयारियां होण दे बावजूद इह काम सिरे नहीं चढ़िया। इस तों बाद पंजाब सरकार ने जमीन एक्वायर करन तों बाद इह काम कीता है। इस स्कीम ते दिसंबर 2018 दे विच दुबारा काम शुरू होया अते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दी इस दे विच 51% अते पंजाब सरकार दी 49% हिस्सेदारी सी। हुण तक टर्मिनल रोशनी पखाने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बागबानी रनवे टैक्सीवे सुरक्षा प्रणाली अते घोषणा प्रणाली समेत लगभग हर काम पूरा हो चुका है और टर्मिनल ते लगाए गए एयर कंडीशनल सिस्टम दी भी जांच की गई है और इस दे विच टेस्टिंग भी सफल रही है। हुण सिर्फ डेल्टा लिंक तैयार होना बाकी है ते इस दे नाल ही एपन अते रनवे लिंक ते सेफ्टी बल सिस्टम लगाउणा बाकी है। प्रोजेक्ट दा 90% तो वध जिहड़ा काम है पूरा हो चुका है। उसारी अधीन प्रोजेक्ट दे अंदर दे सिविल वर्क नूं पूरा कर लिया गया है। लिंक टैक्सी वे दा पहला पड़ा पूरा हो गया अते हुण लिंक टैक्सी वे दा दूजे पड़ा ते काम करन लई भारतीय हवाई सेना तो हरी झंडी दी उड़ीक है। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग नूं अपने कब्जे विच लैण दी प्रक्रिया वर्कर खब्बे पासे टर्मिनल दी इमारत दे बाहर टाइलां विछा रहे हन अते फुटपाथ ते थोड़ा जिहा काम बाकी है ते लिंक रोड नूं एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग दे नाल जोड़न वाले पुल दी फिनिशिंग दा काम कीता जाणा है। हुण जदों सिविल वर्क पूरा हो गया तां विभाग ने AII ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ AII ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 0.25 million ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2031-32 ਤੱਕ 1.38 million ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।